हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th CBSE इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर 5 है विच नेम इज़ इंडिगो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप बिफोर द एग्जाम इनको ज़रूर देख लेना। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊँगी और साथ ही साथ लॉन्ग भी। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। एंड इंग्लिश के कम्प्लीट सिलेबस की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें सो दैट आपके पास इसी तरीके की फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें और आपका इंग्लिश का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाए। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। इंडिगो चैप्टर की अगर अभी तक आपने समरी नहीं देखी है, दैट मीन्स की स्टोरी क्या है, प्रॉपर नोट्स आपके नहीं बने हैं, तो ऑलरेडी मैं वो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की समरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किए हुए हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इंस्टीड ऑफ गोइंग ऑफ टू चंपारण, गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर, गिव अ वैलिड रीज़न। यानी चंपारण जाने की बजाय गांधी जी जो थे वो मुजफ्फरपुर गए, पहले मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो एक वैलिड रीज़न आपको देना है क्यों गए। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है कि वाई डिड गांधी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर एंड वेयर डिड ही स्टे देयर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है इस क्वेश्चन के लिए। आंसर है, शुक्ला हैड ऑलरेडी पोर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रबल्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स। यानी शुक्ला ने ऑलरेडी गांधी जी को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हाँ भाई जो पीजेंट्स हैं वो कितना ट्रबल में हैं। बट गांधी वॉन्टेड टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन दैन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। लेकिन गांधी जी ना इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते थे, वो एक्चुअल में जानना चाहते थे कि रियल कंडीशंस क्या हैं। तो जो मतलब शुक्ला नहीं दे पाए थे उनको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन गांधी जी लेना चाहते थे। तो दैट्स वाई वो गए वहाँ पर। सो ही सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी। तो इसलिए उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा किसको, प्रोफेसर J.B. कृपलानी को। ही केम एट द स्टेशन विद हिज स्टूडेंट्स। तो वो जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है स्टेशन पर आ गए। गांधी स्टेड फॉर 2 days एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी वहाँ पर 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर रुके। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उन्होंने भी गांधी जी को ब्रीफ करने के लिए उनको बुलाया। सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन जो कि है हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ये। तो ये आपका 3 तरीके से पूछा जा सकता है कि भी गांधी जी ने जो चंपारण के गरीब किसान थे उनकी हेल्प कैसे की। या फिर व्हाट डिड द पीजेंट्स पे टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। यानी जो पीजेंट्स थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को क्या पे करते थे रेंट के तौर पर। या फिर हाउ डिड गांधी अपलिफ्ट द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। यानी जो उनकी दशा थी, चंपारण के किसानों की जो दशा थी, गांधी जी ने उस दशा को कैसे सुधारा। तो आंसर देख लेते हैं। गांधी जी केम टू नो अबाउट द शेयर क्रॉपर्स प्लाइट एट चंपारण। गांधी जी को पता चला कि जो शेयर क्रॉपर्स हैं चंपारण की उनकी क्या मतलब कंडीशन है। देयर द लैंडलॉर्ड्स फोर्स द पीजेंट्स टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ द होल्डिंग एंड ऑल द हार्वेस्ट वाज टू बी सरेंडेड टू द प्लांटर्स एज रेंट। तो वहाँ पर लैंडलॉर्ड सिस्टम था और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो पीजेंट्स थे उनको इंडिगो प्लांट करना होता था। 15% पे वो होल्ड 15% वो लोग होल्ड कर देते थे और बाकी हार्वेस्ट को, बाकी की फसल को सरेंडर कर देते थे प्लांटर्स को एज अ रेंट के तौर पर। दे वर ऑल्सो साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दी कंपनसेशन अंडर कंपल्शन। और उन लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए थे समझौते के तौर पर अंडर कंपल्शन, मजबूरी के तहत। गांधी हैल्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गांधी जी ने जो है प्रदर्शन कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। द ऑफिशियल्स बिकेम हेल्पलेस एंड द गवर्नमेंट वॉज हेल्प्ड। तो ऑफिशियल्स जो थे वो अब बिल्कुल हेल्पलेस हो गए और गवर्नमेंट को हेल्प करनी पड़ी। अ सेटलमेंट वॉज रीच। तो इस तरीके से एक सेटलमेंट हुआ। द शेयर क्रॉपर्स को 25% ऑफ देयर मनी बैक। तो जो शेयर क्रॉपर्स थे उनको अपनी मनी का 25% वापस मिला। इन दिस वे गांधी जी अपलिफ्टेड एंड हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। इस तरीके से गांधी जी ने चंपारण के जो गरीब किसान थे उनकी दशा को सुधारा, अपलिफ्ट किया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। Why did Gandhi ji agree to 25% compensation? यानी गांधी जी 25% के समझौते पर एग्री क्यों हो गए? या फिर इस क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि दो द शेयर क्रोपर्स इन चंपारण ओनली 1/4 ऑफ द कंपनसेशन, हाउ कैन द स्ट्रगल स्टिल बी टर्म्ड ऑन अ ड्रग सक्सेस एंड विक्टोरी? तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. नाउ लेट्स सी द आंसर. बट बिफोर हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इफ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो फ्रॉम देयर यू कैन इजीली टेक आउट दी PDF ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, एंड जो आपके अदर चैप्टर्स हैं उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है. सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मस्ट ज्वाइन दैट. चलिए आंसर देख लेते हैं. आंसर है, इन ऑर्डर टू ब्रेक द डेडलॉक बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द शेयर क्रॉपर्स गांधी जी एग्रीड अ सेटलमेंट ऑफ 25% कॉम्पनसेशन. देखो ये जो डेडलॉक चल रही थी बिटवीन किसके, बिटवीन ब्रिटिशर्स के और शेयर क्रॉपर्स के बीच में, इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए गांधी जी जो है एक सेटलमेंट के लिए एग्री हो गए जो कि था 25% कॉम्पनसेशन. ही एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट. गांधी जी ने ये भी बताया कि जो अमाउंट था रिफंड का वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था. मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम वॉज दैट द लैंडलॉर्ड्स वर कन्फ्रंटेड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट द पार्ट ऑफ इंडिगो प्रेस्टीज. ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि कम से कम जो ब्रिटिशर्स थे वो सरेंडर हो गए, वो झुक गए हम इंडियंस के सामने, पीजेंट्स के सामने. ज़्यादा ये मैटर नहीं करता था कि हाँ उन्होंने 25% पर वो लोग एग्री किए, बट हाँ ये मेन चीज़ थी कि हाँ उन लोगों ने सरेंडर किया, उन लोगों ने कहीं ना कहीं हार मानी और पीजेंट्स को कुछ वापस दिया. ठीक है, और इंडिगो जो प्रेस्टीज थी ये भी उसका एक पार्ट था. द पीजेंट्स रियलाइज दैट देयर राइट्स एंड इट बूस्टेड देयर करेज. जितने भी गरीब किसान थे उन्हें अपने अधिकार पता चले और इससे उनकी जो हिम्मत थी, जो साहस था वो बढ़ा. इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस ऑफ गांधी जी. तो ये गांधी जी की काफ़ी बड़ी सफलता थी. नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो आप इसको भी नहीं छोड़ सकते, क्वेश्चन भी आपको ज़रूर से प्रिपेयर करना है. सो लेट्स क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड गांधी कंक्लूड दैट द लॉयर्स शुड स्टॉप गोइंग टू द कोर्ट्स. गांधी जी ने ये कंक्लूजन क्यों दिया कि जो लॉयर्स हैं ना उनको कोर्ट जाना बंद कर देना चाहिए, वो लोग कोर्ट नहीं जाने चाहिए. या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, वाई गांधी जी हैड टू चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर. कि गांधी जी को मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को क्यों डांटना पड़ा, क्यों डांट लगाई कि तुम लोग कोर्ट जाना बंद कर दो. या फिर राइट डाउन गांधीज एडवाइस टू द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर. यानी गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को क्या एडवाइस दी. या फिर फोर्थ टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स ऑफ द चंपारण. यानी चंपारण के लॉयर्स को गांधी जी ने कैसे इन्फ्लुएंस किया. आंसर है, ड्यूरिंग हिज स्टे एट मुजफ्फरपुर द लॉयर्स ब्रीफ्ड गांधी अबाउट दी केसेस ऑफ पुअर पीजेंट्स. यानी जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके हुए थे तो लॉयर्स ने गांधी जी को ब्रीफ किया जो गरीब किसान थे उनके केसेस के बारे में. दे टोल्ड, आगे है हमारा, दे टोल्ड अबाउट देयर केसेस एंड द साइज ऑफ फी. और उन्होंने ये भी बताया कि जो केस है उनके बारे में बताया और जो फीस का अमाउंट था, मतलब कितनी भारी भरकम वो लोग फीस चार्ज कर रहे थे ये भी बताया. गांधी जी चाइडेड दैम फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. तो गांधी जी ने ना लॉयर्स को फटकार लगाई, उनको डांटा कि तुम लोग शेयर क्रॉपर से इतनी भारी भरकम फीस क्यों ले रहे हो. ही एडवाइज दैम टू स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स. और गांधी जी ने यह भी कहा कि तुम लोगों को अब लॉ कोर्ट्स जाना बंद कर देना चाहिए. ही पॉइंटेड आउट दैट द पीजेंट्स वर पुअर एंड फेयर स्ट्रिकन. और गांधी जी ने यह भी पॉइंट आउट किया कि जो गरीब किसान हैं वो गरीब तो हैं ही लेकिन वो डर से भी जकड़े हुए हैं, डर भरा हुआ है, वो सहमे हुए हैं. इट वॉज अर्जेंट टू मेक दैम फ्री फ्रॉम फियर. और पीजेंट्स के लिए ये ज़रूरी था कि उनको उनके डर से छुटकारा दिलाया जाए. सो ये क्वेश्चन नंबर 4 था. आई होप आपने अच्छे समझ लिया होगा. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द पुअर पीजेंट टू डू टू टेक गांधी टू चंपारण. यानी ये जो पुअर पीजेंट था वो कौन था, राजकुमार शुक्ला. तो राजकुमार शुक्ला बेचारा खुद एक गरीब किसान था, तो वो उसने गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए कैसे एग्री कर लिया. या फिर वाई डिड राजकुमार शुक्ला गो टू मीट गांधी. यानी राजकुमार शुक्ला गांधी को मिलने क्यों गए. या फिर वाई डिड अकम्पनी शुक्ला इन अ ट्रेन टू पटना. यानी शुक्ला ने गांधी जी को ट्रेन में साथ क्यों दिया, मतलब ट्रेन में उनके साथ क्यों गए पटना के लिए. या फिर हाउ डिड शुक्ला सक्सीड इन परसुएडिंग गांधी जी टू विजिट चंपारण. यानी शुक्ला कैसे सफल हुए गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाने के लिए. ठीक है। तो ये चारों तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ लेट्स सी दी आंसर। आंसर है राजकुमार शुक्ला अप्राइज्ड गांधी इन लखनऊ कन्वेंशन अबाउट दी एट्रोसिटीज डन टू दी पुअर पीजेंट्स इन चंपारण बाय दी इंग्लिश इंडिगो प्लांटर्स। तो देखो गांधी जी मतलब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को ये बताया कि भाई लखनऊ कन्वेंशन पर वो पहुँचे कि क्या कर रहे हैं और जो इंग्लिश इंडिगो प्लांटर्स हैं वो गरीब किसानों के साथ चंपारण में क्या कर रहे हैं, तो कितना इनजस्टिस हो रहा है। ही अर्स्ड गांधी टू अकम्पनी बट गांधी हैड सो मैनी अदर एंगेजमेंट्स फॉर दी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो उन्होंने गांधी जी से ये निवेदन किया कि भाई आप जो है हमारे साथ चलिए, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन गांधी जी नहीं आ सकते थे क्योंकि उनको काफ़ी सारे दूसरे काम थे, उनके काफ़ी सारे और मतलब पेंडिंग वर्क थे जिनकी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने मना कर दिया, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में उनको जाना था। बींग अ रेजोल्यूट मैन शुक्ला फॉलोड गांधी एवरीवेयर। लेकिन क्योंकि शुक्ला अपने इरादे का पक्का था तो शुक्ला ने गांधी जी को हर जगह फॉलो किया। देन गांधी आस्क्ड हिम टू सी हिम इन कैलकटा। तो गांधी जी ने फिर मतलब देखा भाई शुक्ला मानने को तैयार नहीं थे, तो उनके इतने एक दृढ़ निश्चय को देख के गांधी जी ने कहा कि ठीक है तुम मुझे जो है कैलकटा में मिलना। मंथ्स पास्ट शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट दी अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकटा टिल ही वॉज फ्री। तो ऐसे ही महीने गुजर गए, लेकिन जिस तारीख को जिस दिन को गांधी जी ने शुक्ला से कहा था पहुंचने के लिए उस दिन वो वहीं पर उनको मिले। हिज डिटर्मिनेशन इम्प्रेस्ड गांधी वेरी मच। तो शुक्ला की डिटर्मिनेशन देखकर गांधी उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए। कॉन्सिक्वेंटली बोथ बोर्डेड अ ट्रेन टू पटना इन बिहार। तो इस तरीके से उन्होंने फिर एक ट्रेन बोर्ड की पटना जाने के लिए बिहार में। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि हमने शॉर्ट तो देख लिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। नाउ लेट्स सी द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। बट अगर आपने इस चैप्टर को भी डिटेल में नहीं समझा, इसको पढ़ा नहीं है, सो यू मस्ट रीड आउट दी चैप्टर, बिकॉज अगर आप चैप्टर को समझ लेते हो तो क्वेश्चन आंसर्स आपको और भी ईजी लगते हैं। तो अगर समरी नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, गांधी जी एक्सक्लेम्ड। व्हेन एंड व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम दिस? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द ट्रायल ऑफ गांधी इन मोतिहारी कोर्ट ड्यूरिंग हिज स्टे एट चंपारण। या फिर हाउ डिड गांधी जी विन द बैटल ऑफ चंपारण, यानी गांधी जी ने चंपारण की जो ये एक लड़ाई थी, एक मतलब बैटल था, इसको कैसे विन किया, कैसे जीता। आंसर है आफ्टर हिज अराइवल एट मोतिहारी गांधी जी यूज्ड अ हाउस एज द हेड क्वार्टर सो दैट ही कैन हैव कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन फॉर द शेयर क्रॉपर्स। तो देखो जब गांधी जी मोतिहारी पहुंच गए तो उन्होंने एक घर को एज अ हेड क्वार्टर के तौर पर यूज़ किया, जहां पर वो रहकर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे शेयर क्रॉपर्स के लिए। एट दैट टाइम देयर केम अ रिपोर्ट अबाउट मॉल ट्रीटिंग अ पीजेंट। और उसी दौरान एक पीजेंट के साथ मॉल ट्रीटिंग की एक कंप्लेन आई। नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी वेंट टू सी हिम बट ही वॉज ओवरटेकन बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर विद एन ऑर्डर टू रिटर्न बैक। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग गांधी जी ने सोचा कि वो उसको देखने जाते हैं, बट तब तक उस पीजेंट को ओवरटेकन कर लिया गया था पुलिस सुपरिटेंडेंट्स के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू। एक ऑर्डर था उसको रिटर्न बैक का। व्हेन ही रीच्ड होम गांधी जी वाज आस्क्ड टू क्विट चंपारण एट वंस। तो जब गांधी जी मतलब गए तो उसको देखने थे, पर उसको नहीं देख पाए, नहीं मिल पाए। तो उसके बाद जब वो घर वापस लौटे तो गांधी जी से चंपारण को छोड़ने का मतलब आदेश दिया गया, उनके पास एक ऑर्डर आया। गांधी जी साइन द ऑर्डर बट रोड टू डिसअबे द ऑर्डर। गांधी जी ने उस ऑर्डर पर साइन तो किया बट उसको डिसअबे कर दिया, मतलब उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया उस ऑर्डर का। नेक्स्ट डे गांधी अपीयर्ड इन द कोर्ट। अगले दिन जो है गांधी जी कोर्ट में अपीयर हुए। दैट नाइट गांधी जी टेलीग्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद टू कम विद द इन्फ्लुएंशियल्स फ्रेंड्स। और उससे एक रात पहले मतलब उस रात को गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी जो मतलब बाद में प्रेसिडेंट भी बने, तो उनको जो है टेलीग्राफ भेज दिया था कि भाई तुम अपने कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ आ जाओ, ठीक है। व्हेन द पीजेंट्स न्यू दैट गांधी जी वॉज इन अ ट्रबल विद द अथॉरिटीज द कोर्ट ग्राउंड ऑफ मोतिहारी बिकेम ब्लैक विद पीजेंट्स। और जब पता चला किसको, पीजेंट्स को, मतलब जिनके लिए गांधी जी लड़ रहे थे, जब उन सभी पीजेंट्स को ये पता चला कि गांधी जी खुद ट्रबल में थे, परेशानी में थे, अथॉरिटीज़ के साथ कुछ चल रहा था उनका, तो जो मोतीहारी का पूरा कोर्ट का ग्राउंड था वो पीजेंट से भर गया, मतलब मोतीहारी बिकेम ब्लैक। ब्लैक का मतलब वहाँ पर सर ही सर दिख रहे थे, लोग ही लोग दिख रहे थे, पीजेंट्स भर गए थे वहाँ पर, बहुत भारी मात्रा में इकट्ठे होकर आए थे। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस एंड दे हैड टू सीक दिस हेल्प हिज हेल्प। तो ऑफिशियल्स जो है ये देखकर पावरलेस हो गए और उन्हें इस सिचुएशन में फिर गांधी जी की ही हेल्प लेनी पड़ी कि भाई आपको सपोर्ट करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं तो आप इनको समझा सकते हो। द ट्रायल वॉज पोस्टपोन्ड बट गांधी जी protested that delay सॉरी, उस ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया गया मगर गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया डिले के लिए। इन बिटवीन ही वॉज लेफ्ट एट लिबर्टी, इस दौरान वो जो है ही वॉज लेफ्ट एट लिबर्टी। नाउ गांधी जी आस्क्ड द प्रोमिनेंट लॉयर्स व्हाट दे वुड डू इन केस ही वॉज सेंट टू जेल। अब गांधी जी ने पूछा उन प्रोमिनेंट लॉयर्स से कि अगर मुझे जेल भेज दिया गया इन केस तो तुम लोग फिर क्या करोगे। दे टोल्ड दैट दे वुड फॉलो गांधी जी एंड गिव द कोर्ट अरेस्ट। तो लॉयर्स ने ये बोला कि हम आपको जेल तक भी फॉलो करेंगे, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और कोर्ट अरेस्ट देंगे। गांधी जी एक्सक्लेम्ड द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तो इस तरीके से गांधी जी ने यहाँ पर एक्सक्लेम किया कि अब जाकर जो चंपारण की ये एक लड़ाई है, ये युद्ध है, इसको जीता जा चुका है। दैट मीन्स जब सब एक हो गए, जब मतलब पीजेंट्स भी सामने उतर कर आए, लॉर्ड्स ने भी जो है गांधी जी से बोला कि हम हर तरीके से आपके साथ हैं। सो उस सिचुएशन में गांधी जी ने चीज़ एक्सक्लेम की कि भाई जो चंपारण की लड़ाई है वो जीती जा चुकी है। तो यहीं से उनकी एक तरीके की जीत हो गई थी। तो उन्होंने बोला, तो ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, आप इसको जरूर तैयार करना। नाउ लेट्स सी द सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका अगेन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय गांधी जी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन द विलेज ऑफ एक्सपेक्टेड चंपारण। तो देखो जब गांधी जी ने चंपारण की बैटल को विन कर लिया था तो उसके बाद गांधी जी ने वहाँ के यानी चंपारण के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स कैसी कैसी थी, सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस की प्रॉब्लम थी चंपारण के गांव में, तो उनको कैसे सॉल्व किया गांधी जी ने। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट डिड गांधी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। यानी चंपारण के जो गाँव थे वहाँ पर जो सोशल और कल्चरल पिछड़ापन था एक तरीके से, उसको कैसे गांधी जी ने दूर किया या कैसे वहाँ पर काम किया। इसका आंसर है गांधी जी सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। गांधी जी ने देखा कि सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर चंपारण के गांव में काफ़ी पिछड़ापन है। इन ऑर्डर टू एजुकेट दैम ही मेड एन अपील फॉर टीचर्स, और वहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए तो गांधी जी ने टीचर से अपील की। हिज टू न्यू यंग पीपल्स महादेव देसाई, नरहरी पारिक एंड देयर वाइफ्स ऑफर टू वर्क। तो जब गांधी जी ने अपील की कि टीचर्स लोग भी तुम जो भी मतलब कर सकता है यहाँ पर आओ और यहाँ के लोगों को एजुकेट करो, तो उनके गांधी जी के जो दो यंग पीपल्स यानी उनके जो दो नौजवान वो थे, क्या बोलते हैं उनको, पीपल्स मतलब उनके छात्र जो थे नौजवान वो आए, उनके नाम थे महादेव देसाई और नरहरी पारिक, और वो अपनी वाइफ्स के साथ आए थे ताकि वो वहाँ पर काम कर सकें। सेवरल मोर टीचर्स केम फ्रॉम बॉम्बे यानी मुंबई, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और उसके अलावा काफ़ी अलग अलग जगहों से भी जो है टीचर्स आए, जैसे कि बॉम्बे से, अब तो खैर बॉम्बे को मुंबई बोलते हैं, पूना से और अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से भी वहाँ पर टीचर्स आए। हिज यंगेस्ट सन देवदास एंड मिसिज गांधी यानी जो कौन थी, कस्तूरबा, ऑल्सो अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। और इसके अलावा जो गांधी जी के जो बड़े बेटे थे, यंगेस्ट मतलब छोटे वाले बेटे थे देवदास, और देवदास जो थे वो भी आए, और इनके अलावा मिसेस गांधी भी आई थी, मतलब कस्तूरबा जो थी वो भी आई थी आश्रम से वो लोग आ गए थे। प्राइमरी स्कूल्स वर ऑल्सो ओपन इन 6 विलेजेस टू टीच चिल्ड्रन। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स भी ओपन किए गए चंपारण के 6 गांवों में ताकि बच्चों को पढ़ाया जा सके। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। जो कस्तूरबा बाई थी उन्होंने भी आश्रम के रूल्स पढ़ाए, जो वहाँ की वुमेन थी उनको पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में गाइडेंस दिया, कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में उनको जागरूक किया। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, और ताकि वहाँ के लोगों की जो मतलब स्थिति, उनकी जो हेल्थ कंडीशन थी उनको इम्प्रूव किया जाए, इसलिए गांधी जी ने वहाँ पर डॉक्टर्स भी बुलाए। ही वॉलंटियर्ड हिज सर्विस फॉर 6 months, और वहाँ जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी सर्विस दी लगभग 6 महीनों के लिए। कस्तूरबा टॉक टू द वुमेन टू गेट रिड ऑफ देयर फिल्थी स्टेट ऑफ क्लोथ्स। कस्तूरबा ने जो है वहाँ की वुमेन से बात की कि भाई तुम लोग ऐसे फटे चीज़ें क्यों पहनते हो, ऐसे गंदे कपड़े क्यों पहनते हो। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे एट चंपारण गांधी जी टॉट पीपल सेल्फ रिलायंस एंड फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश। और जब इतने लंबे टाइम तक गांधी जी चंपारण में रुके तो गांधी जी ने वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर होना सिखाया और अपने डर से मुक्ति पाना सिखाया। स्पेशली जो ब्रिटिशर्स का डर था उनके मन में, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। दस ही पेव द पाथ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से उन्होंने आज़ादी का एक रास्ता तय कर दिया था। तो चलिए यहाँ पर इस चैप्टर के जितने भी लॉन्ग एंड शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं मैंने आपको अच्छे समझा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्रीवियस चैप्टर्स के समरी के भी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर इसको लाइक शेयर करें और चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।